इस प्रकार के लिंग निर्धारण में है ना, जब फीमेल में एक्स एक्स होता है और मेल में केवल एक्स होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस प्रकार के लिंग निर्धारण में, इस प्रकार के लिंग निर्धारण की विधि में है ना, मेल में केवल एक्स गुणसूत्र ही उपस्थित होता है, एक्स गुणसूत्र प्रेजेंट होता है ना, और जो वाई गुणसूत्र है, वाई क्रोमोसोम्स है, वो क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। ठीक है, फीमेल में क्या पाया जाता है, फीमेल हमेशा होमोमार्फिक होते हैं, मतलब उसमें एक्स एक्स पाया जाता है, और मेल क्या होते हैं, उनमें केवल एक्स पाया जाता है। तो हम यहाँ पर वाई की जगह में क्या लिख देते हैं, ज़ीरो लिख देते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि फीमेल में हमेशा क्या पाए जाते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र ही पाए जाते हैं। तो जैसे कि इनका यदि दो बार हम ना लिखे, एक बार यदि इनका, क्योंकि इनका दोनों बार में यदि एक्स आएगा तो भी है ना, या अगर एक्स नहीं आ रहा क्योंकि इसमें तो वाई अनुपस्थित है, तो भी ये इधर से तो एक्स ही गुणसूत्र ही आएंगे है ना, इसलिए यहाँ पर हम एक ही बार में एक्स को लिख लेते हैं। तो जैसे कि अगर फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स मेल के एक्स क्रोमोसोम से क्या होता है, संलयन होता है, तो एक्स एक्स बनता है, मतलब यहाँ पर क्या बना, फीमेल बना है ना, फीमेल बनेगा। उसी प्रकार से यदि मेल का यदि कोई गुणसूत्र नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्स ही होते हैं, वाई तो अनुपस्थित होता है ना, तो ऐसे ही स्पर्म जिसमें क्या हो, लिंग गुणसूत्र हो ही ना, तो यदि वो क्या करते हैं, संलयन हो जाते हैं, तो इनका एक्स और इनका ज़ीरो है ना, तब यहाँ पर क्या बनेगा, मेल बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या होता है, 50-50% चांसेस होते हैं है ना, इनमें जो भी कीड़े हैं, काकरोच हैं, ग्रास हॉपर हैं, उनमें वाई गुणसूत्र अब्सेंट होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से जीवों में वाई गुणसूत्र अब्सेंट होता है, तो आप इनको लिख सकते हैं है ना। तो इस वाले लिंग गुणसूत्र में क्या होता है, 50% लड़की भी हो सकती है फीमेल, और 50% मेल भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये था लिंग निर्धारण। अब हम तीसरा विधि देखते हैं। तीसरा विधि है ZW जब फीमेल में गुणसूत्र होता है ना, ये सेम है जैसे कि अगर हम हुमेन में क्या करते हैं, एक्स एक्स और एक्स वाई लेते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर ZW और ZZ ले लिए है ना, नाम बस अलग है। लेकिन यहाँ पर ये तीसरी विधि है जिसमें क्या है, फीमेल्स, हम लोगों ने इससे पहले क्या पढ़ा था कि उसमें फीमेल क्या थे, होमोजाइगस थे, लेकिन इसमें क्या है, फीमेल हेटरोजाइगस है, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर डब्लू है, और मेल क्या होंगे, होमोजाइगस होते हैं है ना। तो ये तीसरा विधि है जिसमें फीमेल हमेशा क्या होते हैं, फीमेल हेटरोजाइगस हैं या हेटरोमार्फिक होते हैं, मतलब विषम युग्मजी होते हैं, हिंदी में हम लिख देते हैं विषम युग्मजी, जो इनमें गुणसूत्र होते हैं फीमेल्स में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं है ना, ZW होता है, और मेल में हमेशा क्या पाया जाता है, ZZ, मतलब यहाँ पर मेल क्या है, होमोमार्फिक है ना, समयुग्मजी है। यहाँ पर जस्ट उल्टा है, मनुष्य का ये क्या है, जस्ट उल्टा है। तो इस प्रकार का लिंग निर्धारण की विधि कौन कौन से जीवों में पाया जाता है, तो हम सबसे पहले तो एग्जाम्पल ही मस्ट है ना। अगर आप एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है कि लिंग निर्धारण क्या है, लिंग निर्धारण की विधियों को बताइए करके, तो आपको जितने भी विधियां हैं उसको लिखना पड़ेगा, तो ये हेडिंग डालना पड़ेगा और क्या लिखना पड़ेगा, एग्ज़ाम्पल मस्ट है ना, यहाँ पर एग्ज़ाम्पल आपको देना पड़ेगा कि इस प्रकार का लिंग निर्धारण किन किन जीवों में पाया जाता है। तो इस प्रकार का जो लिंग निर्धारण है वो बर्ड्स में पाया जाता है, पक्षियों में है ना, फिश में, मछलियों में भी होता है, और रेप्टाइल्स में, रेप्टिलिया वर्ग जो सरीसृप होते हैं है ना, तो जितने भी सरीसृप हैं जैसे कि छिपकली हो गए, सांप वगैरह हो गए है ना, मछलियाँ हो गई, पक्षी हो गए, जितने भी पक्षी हैं उनमें जो फीमेल हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोमार्फिक होते हैं, और मेल क्या होते हैं, होमोमार्फिक होते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से इनसे लिंग का निर्धारण होता है। तो इस विधि में हम देखेंगे कि किस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है। यदि फीमेल का जेड गुणसूत्र है ना मेल के भी स्पर्म के थ्रू आएगा है ना, तो इनका भी यदि स्पर्म क्या है, जेड गुणसूत्र वाला है, तब यहाँ पर क्या होते हैं,
मेल उत्पन्न होते हैं। क्या होता है? मेल उत्पन्न होता है, ठीक है। अब जब फीमेल का क्या डब्लू और मेल का यदि फिर से क्या आ जाए, जेड गुणसूत्र आ जाए, है ना, तो जेड डब्लू, तो जेड डब्लू क्या होता है? फीमेल होता है, ठीक। अब यदि मेल का क्या जेड और फीमेल का यदि जेड मिल जाए तो यहाँ पर क्या होगा? जेड जेड, तो ये क्या है? मेल होगा। उसके बाद यदि फिर से इनका जेड और इनका डब्लू, जेड डब्लू, तो यहाँ पर क्या होगा? फीमेल होगा, है ना। मतलब जो संतति होंगे वो क्या होंगे? फीमेल होंगे। तो इसको क्या बोला जाता है? पेरेंट्स। जनक है ये क्या कहलाते हैं? गैमेट कहलाते हैं, है ना। और ये क्या कहलाते हैं? ऑफस्प्रिंग, उनकी संतति कहलाते हैं, ठीक। तो बर्ड्स, फिश, रेप्टिलिया में इस प्रकार से होता है लिंग का निर्धारण, है ना। फीमेल हमेशा क्या होती है? हेट्रोजाइगस, हेट्रोमार्फिक होती है, और मेल हमेशा क्या होते हैं? होमोमार्फिक होते हैं। अब हम अगली विधि देखेंगे, चौथा विधि हम देखेंगे कि फीमेल में केवल एक गुणसूत्र होता है ना, जेड, और मेल में क्या होते हैं? पेयर में गुणसूत्र पाए जाते हैं ना। इससे पहले जो दूसरे विधि पढ़े थे उसमें मेल में अब्सेंट था, लेकिन इस विधि में क्या है? फीमेल में केवल एक गुणसूत्र पाया जाएगा, फीमेल में ओनली एक लिंग गुणसूत्र, उपस्थित रहता है, ठीक है। और मेल में क्या होता है? दो गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो अब हाँ, इसमें देखेंगे कि कौन कौन से जीवों में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। तो हम यहाँ पर एग्जांपल में लिख सकते हैं बटरफ्लाई, जो तितलियाँ होती हैं, है ना, और मौथ होते हैं, जो घुनघुट्टी वगैरह आता है ना उसको मौथ बोलते हैं, ठीक है। तो जो बटरफ्लाई और मौथ में इस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है, तो जो बटरफ्लाई और मौथ होते हैं उनमें फीमेल में केवल एक ही लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, पेयर में नहीं होता, एक अब्सेंट होता है, और मेल में दो लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, मतलब एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र पाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है? होमोमार्फिक होता है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें लिंग का निर्धारण होता है। तो चौथी विधि में इस प्रकार से क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। यदि फीमेल का जेड क्रोमोसोम्स आता है और मेल का जेड आता है ना, तो जेड जेड क्या बनाते हैं? मेल बनाते हैं। उसके बाद यदि मेल का कोई भी लिंग गुणसूत्र ना हो, है ना, यानी कि जीरो हो, और फीमेल मेल में तो हमेशा क्या होगा? जेड ही गुणसूत्र आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या हैं? जेड जेड पेयर में हैं, है ना, तो यहाँ पर हमेशा क्या होती हैं? फीमेल उत्पन्न होती हैं। जब मेल का जेड हो, है ना, और इधर से भी यदि जेड आ जाए, तब यहाँ पर फिर से क्या हो सकता है? मेल उत्पन्न होता है। और वैसे जेड और यदि मेल से कोई भी लिंग, फीमेल से कोई भी लिंग गुणसूत्र ना आए, तो यहाँ पर क्या हो सकती हैं? फीमेल हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा भी 50%, है ना, 50:50 में मेल और फीमेल का निर्धारण हो सकता है। इसका मतलब है कि जो भी बटरफ्लाई है, मौत है, है ना, उनमें क्या हो सकता है? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने ऐसा विधि नहीं देखा है जिसमें केवल मेल ही हो या केवल फीमेल ही हो, दोनों के चांसेस होते हैं ना। तो इस प्रकार से लिंग का निर्धारण होता है कि कब कब कौन कौन से गुणसूत्र मिलते हैं, तो मेल होता है, कौन से गुणसूत्र मिलते हैं, तो फीमेल होता है करके, है ना। तो ये चौथी विधि थी। अब लास्ट विधि हम देखेंगे, ये लास्ट विधि है, हाँ। इस विधि में क्या है? ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है कि डिप्लॉयड, है ना, यानी कि जब 2N क्या होगा? फीमेल होगा, और हैप्लॉयड कौन होगा? मेल होगा। तब इस विधि से कैसे लिंग का निर्धारण होता है? यह जो विधि है इसका मतलब है कि जो फीमेल होते हैं वो हमेशा द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, है ना। द्विगुणित का मतलब क्या है? जैसे कि अंडाणु, है ना, और जब स्पर्म मिलते हैं तो इसका केंद्रक दो होकर आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले वो हैप्लॉयड होते हैं, है ना, उसके बाद वो द्विगुणित होते हैं। तो मतलब इसमें अंडाणु और शुक्राणु दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होता है तब वे द्विगुणित बनते हैं। तो फीमेल में हमेशा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन से फीमेल बना है। अब क्या है? हैप्लॉयड मेल हो, मतलब मेल में क्या होगा? इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ रहता, तब वो मेल उत्पन्न होता है। तो ये क्या है? अगुणित है, है ना। तो ऐसा विधि जिसमें फीमेल हमेशा द्विगुणित हो और मेल क्या हो? अगुणित। तो इस प्रकार का
जिसमें फीमेल क्या होती है, द्विगुणित होती है, मतलब फीमेल में फर्टिलाइजेशन के थ्रू फीमेल बना रहता है, लेकिन मेल क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बना रहता है, उसको अगुणित बोला जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल है हनी बी, मधुमक्खियाँ, है ना, टर्माइड, जो दीमक होते हैं उनमें, और आंट, चींटियाँ। मधुमक्खी, दीमक और चींटियों में, है ना, इसी प्रकार का लिंग निर्धारण की विधि पाई जाती हैं। तो जो हनी बी होते हैं उसमें, जैसे कि अगर फीमेल उत्पन्न होती हैं तो वो हमेशा निषेचन के पश्चात ही फीमेल होती हैं, लेकिन कुछ अंडे ऐसे भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के ही उत्पन्न हो जाते हैं, तो उनसे मेल बनता है। वैसे सेम दीमक में भी होता है और चींटियों में भी होता है। तो हम इसमें देखेंगे कि कैसे इनमें होता है, है ना। तो जैसे कि क्या है, फीमेल, फीमेल, और इधर हम ले लेंगे मेल। फीमेल हमेशा क्या होती है, फीमेल को क्वीन बोला जाता है, क्वीन, जो मधुमक्खियां हमेशा फीमेल ही रानी बनती हैं, और मेल क्या होते हैं, ड्रोन होते हैं, ड्रोन, है ना। तो इसमें फीमेल क्या होती हैं, द्विगुणित होती हैं, मतलब इनमें 2n पाया जाता है, और मेल हमेशा क्या होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं, अगुणित होते हैं, है ना। फीमेल कैसे उत्पन्न होते हैं, फर्टिलाइजेशन के थ्रू उत्पन्न होते हैं, और ये अनफर्टिलाइज्ड होते हैं। अब देखेंगे हम कि इस विधि में कैसे लिंग का निर्धारण होता है। तो जैसे कि फीमेल में हमेशा क्या होती हैं, द्विगुणित होते हैं, मतलब इनसे, इनमें दो केंद्रक पाया जाता है, मतलब ये क्या है, मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से बना रहता है। तो जैसे कि इसका क्या आया, एन आया, है ना, और यदि मेल का भी एन क्या होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यदि हो जाता है, तो यदि इनका एक एन और इनका एक एन, है ना, मतलब ये फर्टिलाइजेशन की विधि है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन यदि हो जाता है, है ना, किसका किसका, मेल और फीमेल का, तब यहाँ पर 2n हो जाता है, और 2n क्या होती है, हमेशा फीमेल होती है, है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिप्लॉयड, पहले तो लार्वा का निर्माण होता है, है ना, जब जब हनी भी बनता है तो सबसे पहले लार्वा बनते हैं, उसके बाद फिर बाद में उनमें मॉडिफाई के थ्रू उनमें पंख वगैरह आती हैं, तो अब उसको हनी भी बोला जाता है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, डिप्लॉयड लार्वा का निर्माण होता है, ठीक है, जब इनका एक एन और इनका एक एन, है ना, मिल जाते हैं, तो यहाँ पर 2n द्विगुणित हो जाते हैं, तब तो डिप्लॉयड लार्वा का निर्माण होता है, मतलब इनसे भी फीमेल ही बनेंगी। लेकिन यदि मेल का, यदि क्या होगा, सिर्फ मेल बस यदि यहाँ पर हो, फीमेल का कोई भी इसमें भाग ना आए, तो ये क्या हो गया, अनफर्टिलाइजेशन हो गया, है ना, क्योंकि मेल और फीमेल के जब युग्मक मिलते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ पर यदि मेल अगर बिना फीमेल के ही फर्टिलाइज्ड हो जाता है, तब यहाँ पर क्या बनता है, हेप्लॉयड लार्वा, ठीक है, तो हेप्लॉयड लार्वा। अब यहाँ पर हम देखे हैं कि हेप्लॉयड हमेशा क्या होते हैं, मेल, तो बिना निषेचन के ही यदि क्या हो जाए, लार्वा बन जाए, तो वो हमेशा क्या क्या चीज़ का निर्माण करता है, ड्रोन, है ना, मेल का निर्माण करता है। बिना फर्टिलाइजेशन के बनने वाला एग हमेशा मेल ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाए, है ना, तब क्या बनता है, फीमेल बनता है। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये सिर्फ हनी बी में ही पाया जाता है, टर्माइट वगैरह में, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तब फीमेल उत्पन्न होते हैं, और बिना फर्टिलाइजेशन के यदि लार्वा उत्पन्न होता है तो वो हमेशा मेल होते हैं, जिसको ड्रोन बोला जाता है, है ना, मधुमक्खियों में मेल को ड्रोन कहते हैं। अब यहाँ पर भी कंडीशन होता है, है ना, कि जब डिप्लॉयड लार्वा तो बनते हैं तो आगे चलकर ये फीमेल का ही निर्माण करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी दो ऑप्शंस होते हैं, है ना। अब वो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, ये हम देखेंगे कि मधुमक्खियाँ जो होती हैं, है ना, वो एक क्या करती हैं, एक पदार्थ सीक्रेट करती हैं, ठीक है, जिसको बोला जाता है रॉयल जेली। क्या बोलते हैं, रॉयल जेली बोला जाता है। तो इसमें भी रॉयल जेली के आधार पर ये भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यदि डिप्लॉयड लार्वा तो बन चुका रहता है, लेकिन जो लार्वा क्या है, रॉयल जेली खाता है और जो नहीं खाता है, उस आधार पर है। तो इसमें क्या होता है, यदि जिन लार्वा को रॉयल जेली मिल जाता है, जैसे कि जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, है ना, इस प्रकार से उनके क्या बने होते हैं, छत्ते बने होते हैं, है ना। तो ये इन छत्तों में क्या होता है, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो पदार्थ सीक्रेट करती हैं, जिसको बोला जाता है रॉयल जेली। क्या बोला जाता है, रॉयल जेली। तो जिन लार्वा को रॉयल जेली नहीं मिल पाता है, हम यहाँ पर लिख देंगे कि नो रॉयल जेली, और यहाँ पर लिख देते हैं रॉयल
जेली। तो जिन डिप्लॉयड लार्वा है ना, तो जिन लार्वा को रॉयल जेली नहीं मिल पाता, वो क्या होते हैं, वर्कर्स तो बनते ही हैं, बाद में क्वीन बनते हैं। जो फीमेल इनमें उत्पन्न होते हैं तो उनमें क्या होता है, मधुमक्खियाँ क्या है, समूह वाले जीव हैं, है ना, ये समूह में रहते हैं। तो दोनों से क्या चीज़ का निर्माण होता है, वर्कर्स का ही निर्माण होता है। बाद में फिर जो भी क्या होते हैं, जैसे कि जो भी संतान उत्पन्न करते हैं उनको, जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनके पूरे समूह उनको क्वीन बना देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में वो दोनों ही वर्कर्स, सभी वर्कर्स होते हैं, है ना। तो जिनको रॉयल जेली नहीं मिल पाता है वो क्या हो जाते हैं, स्टेरिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, स्टेरिल हो जाते हैं, मतलब बांझपन, वो बच्चा नहीं दे पाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो बांझ हो जाते हैं, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेरिल, बांझपन हो जाते हैं जिनको रॉयल जेली नहीं मिल पाता। लेकिन जो लार्वा रॉयल जेली खाते हैं, है ना, वो आगे चलकर क्या होते हैं, फीमेल का निर्माण करते हैं, मतलब वो फीमेल बनते हैं। और फीमेल कब बनेंगे, जब वो संतान उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं में से फिर एक को क्या करते हैं, जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो जो भी संतान उत्पन्न करते हैं उनको वो रानी बना देते हैं। और जो ड्रोन होते हैं इनका कोई काम नहीं होता, ये क्या करते हैं, सिर्फ ये छत्ते में फर्टिलाइजेशन के लिए ही बस आते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं, उसके बाद इनको छत्ते से भगा दिया जाता है, है ना, फिर वो मर जाते हैं। उसके बाद फिर से नया ड्रोन आता है, फिर वो केवल जो ड्रोन रहते हैं वो निषेचन के लिए ही यहाँ पर छत्ते में रहते हैं, है ना। और जो फीमेल्स होती हैं क्वीन, वो क्या करते हैं, बच्चे देते हैं। और जितने भी जो बाकी जो बांझपन होते हैं, है ना, जो बांझपन वर्कर्स होते हैं, मतलब और जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, छत्ते बनाने में, मतलब ये श्रमिक होते हैं, है ना, छत्ते का निर्माण करते हैं, बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से था ये डिप्लॉयड फीमेल और हैप्लॉयड मेल विधि में कैसे फीमेल और मेल का निर्माण होता है करके।